बाबर कप्तानी से हट जाए एज ए बैट्समैन, उसको मान लेंगे एज अ बैट्समैन उस कप्तान। देखें अब जो कप्तान होगा ना वो उसकी जिम्मेदारी है कि बाबर को कहां जोड़। मैं हमेशा एक साल से कह रहा हूं कि बाबर के रन को यूटिलाइज करने वाला कप्तान चाहिए पाकिस्तान को, वरना बाबर अपने रन करके जाया करता रहेगा। रॉय जैसे आएंगे रोंद के चले जाएंगे इसकी। अली एक बात इसमें ऐड कर दूं, अली आप एक बात का ख्याल रखिए, फिर आप नोट करते होंगे बहुत दफा, आई एम सॉरी टू से, माफी के साथ कह रहा हूं लेकिन जेन्युइन बात कह रहा हूं, अपनी सीट बचाने के चक्कर में समझ गए होंगे आप जो होते हैं एल्म ऑफ दी, वो फिर कप्तान को वो करते हैं उसकी क्या कहते हैं वो क्या करना प्लेयर्स की टीम की वो करते हैं ज़बरदस्ती। अगर आपका टॉप आदमी ये होगा ना कि मुझे अकाउंटेबिलिटी करूंगा चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो प्लेयर हो, आप देखिएगा टीम क्या परफॉर्म करती है। ठीक है जनाब, आपने सुन लिया कि आज बाबर आजम का थोड़ा सा एफपीवाई के को क्यों बाबर आजम से इख्तिलाफ है, आज उन्होंने खुल के जरा तफसील से बता भी दिया और मौसम ने भी कुछ बातों को एग्री किया। कुछ बातें मैं भी एफपीवाई से एग्री करता हूं कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में एक जो है वो एग्रेसिव कैप्टन होना चाहिए, लेकिन एज ए बैट्समैन बाबर आजम जो है वो एक बेहतर प्लेयर है, कप्तानी पर उनके जरूर जो है वो लोगों को तहफ़ात हो सकते हैं।